तो नमस्कार सभी को। तो शुरुआत करता हूँ फिर रकीब से, क्योंकि विवेक भैया का मित्र है, अजीज मित्र है विवेक भैया का, कि किसी के बिछड़ जाने से मैंने अपनी दुनिया होते वीरान देखी है। किसी के बिछड़ जाने से मैंने अपनी दुनिया होते वीरान देखी है। जाति धर्म के नाम पे ये मोहब्बत होती कुर्बान देखी है। किसी के बिछड़ जाने से मैंने अपनी दुनिया वीरान देखी है। जाति धर्म के नाम पे ये होती मोहब्बत कुर्बान देखी है। और उस दिन से इश्क की गलियों में आना जाना ही छोड़ दिया, जिस दिन से रकीब की बाहों में मैंने अपनी जान देखी है। बहुत शुक्रिया। मेरे दिए हुए तोहफे उसकी दहलीज पे मेरी यादों के चिराग जलाते हैं। मेरे दिए हुए तोहफे उसकी दहलीज पे मेरी यादों के चिराग जलाते हैं। मैं ही नहीं, जिन परिंदों की वो परवरिश करती है वे भी उसे बेवफा बताते हैं। मेरे दिए हुए तोहफे उसकी दहलीज पे मेरी यादों के चिराग जलाते हैं। मैं ही नहीं, जिन परिंदों की वो परवरिश करती है वो भी उसे बेवफा बताते हैं। और वो रकीब खुश है कि उसने मेरे हाथों से मेरी मोहब्बत को छीन लिया। अब भला उसे कौन बताए कि शेर का झूठा तो हमेशा कुत्ते ही खाते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कि मेरे कुछ दिए हुए तोहफे उसकी दहलीज पे मेरी यादों के चिराग जलाते हैं। मैं ही नहीं जिन परिंदों की वो परवरिश करती है वे भी उसे बेवफा बताते हैं। और वो रकीब खुश है कि उसने मेरे हाथों से मेरी मोहब्बत को छीन लिया। अब भला उसे कौन बताए कि शेर का झूठा तो हमेशा कुत्ते ही खाते हैं। बहुत शुक्रिया। कि अपनी आँखों से मैंने खुद अपनी ही तबाही का मंजर देखा है। जिसकी रवानी मशहूर है खारेपन के लिए, नाखों में भी वो समंदर देखा है। अपनी आँखों से मैंने खुद अपनी तबाही का मंजर देखा है। जिसकी रवानी मशहूर है खारेपन के लिए, इन आँखों में भी वो समंदर देखा है। और जिनके एक इशारे पे मैंने अपनी दिलो जान को जो निशार कर दिया था कभी, अब न जाने क्या हुआ उन हाथों में मैंने मेरे लिए खंजर देखा है। बहुत शुक्रिया। एक यह है कि जो जैसा चाहता है जाने क्यों उसको वैसा ही सनम नहीं मिलता। जो जैसा चाहता है जाने क्यों उसको वैसा ही सनम नहीं मिलता। रांझा दिन रात रोता है जिसके लिए, उस हीर का दामन भी नम नहीं मिलता। जो जैसा चाहता है उसको वैसा ही सनम नहीं मिलता। रांझा दिन रात रोता है जिसके लिए, उस हीर का दामन भी नम नहीं मिलता। हरेक बड़ी से बड़ी बीमारी की दवाई मयस्सर है इन बाजारों में। हरेक बड़ी से बड़ी बीमारी की दवाई मयस्सर है इन बाजारों में। मगर किसी अपने के दिए जख्मों का किसी हकीम के पास कोई मरहम नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। उसके आंगन में अब बारिश न होगी, बेशक जोरों से बादल गरजेगा। उसके आंगन में अब बारिश न होगी, बेशक जोरों से बादल गरजेगा। अगर मेरा खुदा सच्चा है तो उस पे भी गमे कहर बरसेगा। उसके आंगन में बारिश न होगी, बेशक जोरों से बादल गरजेगा। अगर मेरा खुदा सच्चा है तो उस पे भी गमे कहर बरसेगा। जिसने मुझको तन्हा छोड़ा था जो कभी मुफलिसी के सफ़र में। मुझे कसम है नाकाम मोहब्बत की, यकीनन वो एक दिन मुझसे मिलने को तरसेगा। बहुत शुक्रिया। ओ सहजादी तू मेरे ख्वाबों की ताबीद नहीं। मेरे घर के कमरे में अभी तेरी कोई तस्वीर नहीं। ओ सहजादी तू मेरे ख्वाबों की ताबीद नहीं। मेरे घर के कमरे में अभी कोई तेरी तस्वीर नहीं। और इश्क में आए चार दिन नहीं हुए। मैं तुझसे शादी का वादा करूं, अरे चल निकल, मेरा दिल है तेरे हुस्न की जागीर नहीं। एक यह कि जिन यारों ने पीठ पीछे खंजर घोंपा
जिन यारों ने पीठ पीछे खंजर घोंपा उनसे यारी खत्म कर दूं, जिन यारों ने पीठ पीछे खंजर घोंपा उन यारों से यारी खत्म कर दूं, बेहतर है मैं उस बेवफा की भी तरफदारी खत्म कर दूं। नादानी में एक खता की थी, नादानी में एक खता की थी, मेरे अपनों के ताने मुझे सांप की तरह डसते हैं, अब कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं उनसे रिश्तेदारी खत्म कर दूं। एक बस अब जगह लेता हूं, लास्ट है ये कि मुद्दतों बाद मेरी याद आई, आखिर बताओ तो सही बात क्या है। मुद्दतों बाद मेरी याद आई, आखिर बताओ तो सही बात क्या है। मैं बखूबी जानता हूं तुम जैसी बेवफाओं की जात क्या है। मुद्दतों बाद मेरी याद आई, आखिर बताओ तो सही बात क्या है। मैं बखूबी जानता हूं तुम जैसी बेवफाओं की जात क्या है। और तुम सही हो मैं गलत हूं, तुम सही हो मैं गलत हूं, तो इस कहानी को ख़त्म करो, ये तो एक रोज़ वक्त बताएगा दोनों में किसकी औकात क्या है। बहुत शुक्रिया।